आठवीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। इसमें हमने पहली इकाई में देखा पहला पाठ है मातृभूमि। तो भाग एक में हमने कविता का विस्तार देखे, भाग दो में हमने प्रश्नोत्तर देखे, अब उसी में भाग तीन में हम देखते हैं व्याकरण विराम चिन्ह। ये सारे विराम चिन्ह हैं। इनका प्रयोग हम वाक्यों में कैसे, कहां और किस प्रकार किया जाता है ये हम देखेंगे। ये पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम एक वाक्य जब खत्म होता है तब अंत में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, पूर्ण विराम। अब दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम वाक्य में कब करते हैं, जब हम बहुत सारे शब्दों को थोड़ा रुक रुक कर बोलना चाहते हैं। जैसे मोहन आम केला अनार आदि लाया। तीसरा है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं जब हमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छा है तुम भी साथ चलो, एक से दो भले। अब चौथा है प्रश्न सूचक का प्रयोग हम वाक्य में जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तब करते हैं। जैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो ये हो गया प्रश्न सूचक वाक्य। अब पांचवा है विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह हम वाक्य में तब प्रयोग करते हैं जब हम कुछ आश्चर्य प्रकट करते हैं या प्रसन्नता प्रकट करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। उसके बाद आता है एकहरा अवतरण चिन्ह। एकहरा अवतरण चिन्ह हम वाक्य में तब प्रयोग करते हैं जब कोई शब्द या वाक्य हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, जिसका कभी बदलाव नहीं होता वाक्य में। जैसे रमन की वर्षगांठ मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये वर्षगांठ जो है वो शब्द हम जैसा का तैसा ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब समझ लो किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं वही वाक्य किसी तीसरे को जाके बताती हूँ वैसे का वैसा ही, तब हम दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कुछ घबराने की बात नहीं। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यों में कब करते हैं, जब हम दो शब्द साथ में बोलते हैं। जैसे तुम बार बार यहाँ मत आओ। तो इस प्रकार कई शब्द होते हैं, जैसे हम दो शब्दों को साथ में बोलते हैं सुख दुख ऊपर नीचे, तो हम बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा व्याकरण पूरा हुआ।